देखिए मैंने मूंग दाल भिगो के रखी थी, बच्चों ने इसे नहीं खाई, इतनी बच गई है। तो अब इसे हम इसकी नई रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे, ये हमारे पास डोसा का बैटर है, डोसा का बैटर है। इसे हम अच्छी तरह से नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसी में से हम 2-4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से इसमें डालेंगे, अब इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह। देखिए ये हमें इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा सोडा खाने वाला, हल्का सा। ये इस तरह से हमने डाला इसको, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसकी हम रेसिपी बनाएंगे। अब हम गैस पे रखेंगे अप्पे मेकर, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो हमने सब में तेल डाल दिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे वही बैटर जो हमने अभी मिक्स किया था। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे मूंग दाल के अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। ओहो कितने गरम गरम, कितने अच्छे और टेस्टी बने हैं। इसको हम चटनी के साथ इस तरह से खाएंगे। बहुत गरम है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।